आईपीएल 2020 का 56वां मैच हैदराबाद और मुंबई की टीमों के बीच शारजाह में 3 नवंबर को खेला जाएगा। दोस्तों ये मैच एसआरएच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में 12 अलग अलग पैमानों के आधार पर हम दोनों ही टीमों का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों ये भी जानेंगे कि क्या रोहित शर्मा की मुंबई में वापसी होगी या नहीं, और आपको तो पता ही है कि 85% हमारी प्रिडिक्शन सही होती है, तो इस मैच की भी भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे आंकड़ों के आधार पर। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले हम पिच के आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करेंगे। अब शारजाह में कितने रन्स बनते हैं, उसका क्या फायदा नुकसान होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जिससे हमें इस मैच के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। दोस्तों पिछले 5 मैचों में अगर हम गेंदबाजी आंकड़ों की बात करें तो तेज गेंदबाजों ने 33 विकेट लिए हैं, लेग ब्रेक स्पिनर्स ने 12, ऑफ स्पिनर्स ने 2 और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने सिर्फ 1 विकेट लिया है। मतलब भाई यहाँ पर 50% ज्यादा विकेट तो तेज गेंदबाज ले रहे हैं। और आईपीएल से पहले जो कहा गया था ना कि भाई यूएई में स्पिनर्स को मदद मिलेगी, वो दावे अभी तक क्या पूरे आईपीएल में झुटला दिए गए हैं। तो साफ है किस मैच में वही जीतेगा जिसके पास बेहतर तेज गेंदबाज होंगे। अब आप कमेंट में बता दीजिए, आगे आंकड़ों की बात और करेंगे, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइए कि किसके पास बेहतर तेज गेंदबाज है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब ओपनिंग कंपैरिजन की। उससे पहले आप टीम देख पा रहे होंगे दोस्तों, आखिरी मैच है लीग स्टेज का और इस मैच के लिए हमने टीम बना ली है दादा के खिलाफ। सौरव गांगुली अपनी टीम बनाते हैं, हालांकि अभी प्लेऑफ शुरू हो जाएंगे उस दौरान भी हम आपको टीम बताएंगे, लेकिन अगर आप दादा की टीम को हरा देते हैं तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का दुगना पैसा, डबल पैसा मिलता है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक बराबर जाइए, माय 11 सर्कल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे यहाँ पर अपना पहला पैसा डालेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए का फ्री कैश बोनस मिल जाएगा, 20% का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और आप में से किसी एक के पास मौका होगा 1 करोड़ रुपए जीतने का भी। शेन वॉटसन, दादा और राशिद खान यहाँ पर टीम बनाते हैं, पैसे डालना निकालना प्लेइंग 11 बनाना भी बहुत आसान है और बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं। एक और चीज दोस्तों कि दादा के खिलाफ हम 2-3 टीम्स जो उतारते हैं वो हम आपको अपने टेलीग्राम पेज पर देते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको द रियल एमसीपी सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर, एक रियल पेज जो आएगा वही हमारा सही पेज सबसे ऊपर आएगा, लगभग 27,000 फॉलोअर है। एक और फेक पेज है, और एक चीज और, जिसने भी फेक पेज बनाया उसके ऊपर हमने FIR कटा दी है, रसीद भी बता देंगे कि क्यों आप इस तरह से हमें परेशान करते हैं फेक पेजेस को लेकर, तो वो हम बात करेंगे टेलीग्राम पे कि क्या वो कॉन्ट्रोवर्सी है। लेकिन कुल मिलाकर अभी की स्थिति में अकाउंट जरूर बनाइए माई 11 सर्कल ऐप पर। चलिए दोस्तों अब ओपनिंग कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम एसआरएच के ओपनर्स की बात करें तो यहाँ पर डेविड वार्नर, वृद्धिमान शाह ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ये ओपनिंग लाइनअप कहने ना सेट हो चुका है एसआरएच के लिए। दूसरी तरफ मुंबई की तरफ से ईशान किशन और क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा का इस मैच में भी खेलना मुश्किल है, 70-80% चांसेस है कि रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेलेंगे। बाकी की अपडेट आपको पता है हम टेलीग्राम पर दे ही देते हैं, लेकिन अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम ओपनर्स के आंकड़ों की बात करें, पिछले 5 मैचों में एसआरएच के ओपनर्स ने कंबाइंड रूप से 286 रन किए, एवरेज इनका लगभग 48 का है, स्ट्राइक रेट 155 के समथिंग का है। मुंबई इंडियंस के ओपनर्स ने आप देख पा रहे होंगे पिछले 5 मैचों में कंबाइंड रूप से 351 रन किए हैं, इनका एवरेज 59 का रहा है और इनका स्ट्राइक रेट 145 का रहा है। अब दोनों आंकड़े की कंपैरिजन करने के बाद एक चीज आपको समझ में आ गई है कि मुंबई इंडियंस हल्का सा यहाँ पर अपना पटना भारी रख सकती है, और इनके ओपनर्स चले भी है डीकॉक तो भाई ऑरेंज कैप की दौड़ में। चलिए दोस्तों ओपनर्स में मुंबई आ गए थे, लेकिन हम मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। अगर हम एसआरएच की मिडिल ऑर्डर की बात करें तो तीसरे स्थान पर मनीष पांडे, चौथे स्थान पर केन विलियमसन, पांचवें स्थान पर अभिषेक शर्मा उतरने वाले हैं। अब बेस्ट्रो की एंट्री अभी मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि एसआरएच का एक सेट पैटर्न अब दिख रहा है, तो मुश्किल है बेस्ट्रो खेलेंगे। मुंबई की तरफ से दोस्तों तीसरे स्थान पर सूर्यकुमार यादव, चौथे स्थान पर सौरभ तिवारी, पांचवें स्थान पर कुणाल पंड्या उतर सकते हैं। हार्दिक पंड्या मुश्किल है नहीं खेलेंगे क्योंकि मुंबई के लिए जरूरी मैच है, नहीं हारेगी मुंबई तो भी वो टॉप 2 में रहेगी, इसलिए पंड्या को फिर से रेस्ट दिया जाएगा। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। एसआरएच की टीम ने पिछले 5 मैचों के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने मिलकर 230 रन किए, एवरेज 38 का, स्ट्राइक रेट 134 का। दूसरी तरफ दोस्तों मुंबई के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पिछले 5 मैचों में 217 रन किए, एवरेज 31 का, स्ट्राइक रेट 117 का। साफ तौर पर मिडिल ऑर्डर के आंकड़े एसआरएच की तरफ अपना पटला भारी करते हैं। अभी तक हमने 4-5-6 आंकड़े देख लिए और अभी तक दोनों ही टीमें बराबरी पर खड़ी हुई है, लेकिन लोअर ऑर्डर की बात
बहुत कुछ बदल देगी। दोस्तों अब दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे समीकरण बदल गए। अगर हम एसआरएच के लोअर ऑर्डर की बात करें, छठवें स्थान पर होल्डर, सातवें स्थान पर अब्दुल समद उतरेंगे। मुंबई इंडियंस की तरफ से छठवें स्थान पर कायलन पोलार्ड और सातवें स्थान पर नैथन कुल्टर नाइल उतरने वाले हैं। अभी की परिस्थिति में मुंबई यहाँ पर भी बदलाव नहीं कर रही है। लेकिन आंकड़ों की बात कर लेते हैं दोस्तों, एसआरएच के लोअर ऑर्डर ने पिछले 5 मैचों में बल्लेबाजी आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं तो बल्लेबाजी करते हुए 61 रन किए, एवरेज 20 का स्ट्राइक रेट 154 का रहा है। मुंबई इंडियंस के लोअर ऑर्डर ने पिछले 5 मैचों में 68 रन किए, एवरेज 68 का स्ट्राइक रेट 258 का रहा है। फिर बोल रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस में बदलाव हुआ है इसलिए इतना बड़ा गैप स्ट्राइक रेट में आप देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी तराजू जरूर यहाँ पर मुंबई इंडियंस की तरफ झुका होगा, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोअर ऑर्डर में क्या देखना पड़ता है, स्ट्राइक रेट देखना पड़ता है, वो मुंबई का ज्यादा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर्स कंपैरिजन करते हैं, मतलब लोअर ऑर्डर्स के गेंदबाजी आंकड़ों की अब हम बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एसआरएच की तरफ से जेसन होल्डर लोअर ऑर्डर में गेंदबाजी करते हैं और मुंबई की तरफ से पोलार्ड और कृणाल पंड्या लोअर ऑर्डर में गेंदबाजी करते हैं। एसआरएच के लोअर ऑर्डर के गेंदबाजों आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 मैचों में 8 विकेट, 9 का इकोनॉमी। मुंबई की तरफ से पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 विकेट, 7 का इकोनॉमी। यहां तो भाई सीधी सीधी एसआरएच की तरफ पूरी नाव पलटती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक ये मैच बहुत बराबरी का जा सकता है अनलेस और अंटिल मुंबई इंडियंस यही प्लेइंग 11 खिलाए, लेकिन अब गेंदबाजी आंकड़ों की बात करेंगे कि वहां से पूरा समीकरण बदल जाएगा। चलिए दोस्तों गेंदबाजों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम एसआरएच की गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर 8वें स्थान पर संदीप शर्मा, 9वें स्थान पर टी नटराजन, 10वें स्थान पर शहबाज नदीम और 11वें स्थान पर राशिद खान उतरेंगे। मुंबई की तरफ से दोस्तों 8वें स्थान पर बुमराह, 9वें स्थान पर बोल्ट, 10वें स्थान पर जयंत यादव और 11वें स्थान पर राहुल चहर उतरने वाले हैं। देयर इज नो चेंज, लेकिन आंकड़े बहुत सारे बदलाव करेंगे। एसआरएच के दोस्तों अगर हम गेंदबाजों की बात करें, पिछले 5 मैचों में इन्होंने टोटल 21 रन किए हैं, इकोनॉमी 7 का है। मुंबई के गेंदबाजों ने पिछले 5 मैचों में 27 रन किए हैं, इकोनॉमी 7 का है। भाई बुमराह बैठे हुए हैं जो कि पर्पल कैप की दौड़ में सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं अभी तक तो, इसीलिए इस पूरे सेगमेंट में मुंबई का पटला भारी है। और टोटली भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पिच में भी तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, तो यहां पर भी हल्का सा पटला मुंबई का भारी है। ओवरऑल मैच को देखें, आंकड़े सीधी बात है भाई, आंकड़े हल्का सा तराजू मुंबई इंडियंस की तरफ झुका रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ झुकेगा या नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से मुंबई जीत सकती है। बाकी टेलीग्राम पर आपको टीम्स मिली जाएगी, अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।